एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह एवं आरटीओ अनीता सिंह की अध्यक्षता में यातायात कार्यालय पर ई रिक्शा के यूनियनों के अध्यक्षों के साथ बैठक की गई, जिसमें नियमों का पालन करते हुए ई रिक्शा चलाने के लिए निर्देशित किया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि शहर में ई रिक्शा के संचालन के लिए 19 रूट निर्धारित किए गए हैं। इसे जल्द ही आरटीओ कार्यालय द्वारा कैंप लगाकर रूट के संबंध में रूट नंबर की जानकारी दी जाएगी। हम सफर ई रिक्शा का रूट नंबर दिया जाएगा, जिससे कि शहर में जाम की समस्या उत्पन्न ना हो सके तथा ई रिक्शा पर मानक के अनुसार 5 सवारी से ज्यादा नहीं बैठाएंगे और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर निर्धारित रूट पर नहीं चलेंगे तो इनके ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं आरटीओ अनीता सिंह ने कहा, उसने जब बुलाया था नोटिस गई है, आप लोग पहुंचे नहीं है वहाँ, कमिश्नर साहब तुरंत पूछ रहे थे। अभी 30 जून को ठीक है, जिसमें आपका मुद्दा भी रखा गया था कि रिक्शा को मार्ग निर्धारित जो मार्ग हम लोगों ने डिसाइड कर उसमें चलना है कि नहीं है, तो हम लोगों ने और 890 वर्तमान में ये हम सफर ई रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों को बुलाकर जो पहले से ही आरटी बैठक में निर्धारित हो चुके थे 19 रूट, उसके बारे में उनको अवगत कराया गया है और इससे पहले भी उनको उस मार्गों के बारे में अवगत करा दिया गया था, क्योंकि ये ई रिक्शा मेन सिटी में ही चलते हैं, अन्य मार्गों पे नहीं चल रहे हैं, जिसके यहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक की समस्या लगातार बन रही है। तो कमिश्नर साहब के ये आदेश हैं कि अब ये रूट पर ही चलेंगे, तो इन लोगों ने कुछ अपनी समस्याएं हम लोगों के समक्ष रखी थी, उन समस्याओं को भी मंडलायुक्त महोदय के समक्ष रख दिया गया, बट उनका ये कहना है कि यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने के लिए हमें ई रिक्शा को ई मार्ग पर ही चलने के लिए बाधित करना पड़ेगा। आज हम सफर ई रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की गई, यूनियन के माध्यम से सभी रिक्शा चालकों के लिए ई रिक्शा चालकों को बताया गया कि इनके लिए जो निर्धारित 19 रूट हैं उन्हीं रूट पर अपने ई रिक्शा चलाएं और इसका पालन ना करने पर इनके खिलाफ़ कड़ी वैधानिक कार्यवाही मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत की जाएगी। और विशेष अनुरोध इनसे ये है कि वाहन अपने रूट्स पर चलाते समय यातायात नियमों का विशेष पालन करें, जिससे शहर में कहीं यातायात दबाव या ट्रैफिक कंजेशन की कोई समस्या ना हो और शहर में एक आदर्श यातायात व्यवस्था बनाए रखने में ये भी भागीदार बन सकें। अगर निर्धारित रूट पर नहीं चलेंगे तो इनके खिलाफ़ नियमानुसार मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।